जिले के आदित्यपुर नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट पर बैन लगाने और इसके प्रयोग को रोकने के मकसद से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और अपर आयुक्त मौजूद थे। वहीं उन्होंने लोगों को प्लास्टिक के थैले का प्रयोग में न लाने की शपथ दिलाई। लोगों को जानकारी देना कि जो हमारे बीच सिंगल यूज प्लास्टिक है उस वो कितना दुष्प्रभावकारी है, उससे कितना लॉस है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, हमारे जल स्रोत डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे वातावरण में उसको लोग जला दे रहे हैं कहीं कहीं, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और वो सबसे बड़ा उसका डिफेक्ट ये है कि जब वो मिट्टी के नीचे जाता है तो उर्वरक क्षमता जो है जमीन का। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसे लेकर जेपीएससी परीक्षार्थी में काफी आक्रोश है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उम्र सीमा काफी कम करने से लगभग 50,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। इसी से लेकर आज राज्य के युवा ने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो पहले उम्र सीमा थी उसे ही लागू की जाए। तो आपको बता दें कि कल भी यह बैठक की गई थी मंगलवार को, जहां जेपीएससी अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश था, क्योंकि आपको बता दें कि 7वीं से 10वीं तक जेपीएससी की जो परीक्षा है नियुक्ति को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके बाद जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो काफ़ी आक्रोशित हैं क्योंकि नए नियमावली के तहत उम्र सीमा काफ़ी कम किया गया है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।